सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा खास शो भाग्य योग। और मेरे साथ में मौजूद हैं इसरो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को सुबह की राम राम। तो आइए करते हैं भाग्य योग की शुरुआत। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पसंदीदा खास शो भाग्य योग में हम ना सिर्फ आपके ग्रह योग की बात करते हैं, बल्कि उसका विश्लेषण करने के साथ ही सटीक समाधान भी बताते हैं। राशियों के अनुसार आज आपका दिन कैसा रहने वाला है वो तो आपको बताएंगे ही, कैसे आप अपने इस दिन को और भी ज्यादा सफल बनाएं वो उपाय भी होंगे। बात उनकी भी होगी जिनका जन्मदिन है, ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है, साल भर का लेखा जोखा होगा। तो आचार्य राजेश तिवारी जी से आज हम स्वप्न शास्त्र की खास जानकारियां लेंगे। तो योगिनी सोनम से आज हम जानेंगे सरदर्द से निजात दिलाने वाला योग मंत्र। लेकिन शो की शुरुआत में सबसे पहले आचार्य जी जान लेते हैं आज का उपयोगी पंचांग क्या है। आज 19 मार्च 2023 दिन रविवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र धनिष्ठा, चंद्रमा मकर राशि में भोग करेगा। राहु काल सायं 5:01 से 6:32 तक, इसमें कोई शुभ कार्य न करिएगा। दिशाशूल पश्चिम दिशा का है। घर से निकलते समय ओम हरि नमः मंत्र का 11 बार जप अवश्य करिए। रुद्राभिषेक परम शुभकारी है। आज भगवान सदाशिव वृक्षारूढ़ रहेंगे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। तो आज का शुभ और अशुभ समय तो हमने आचार्य जी से जान लिया, लेकिन आचार्य जी आज किस खास विषय पर चर्चा करेंगे? जी, आज हम बात करेंगे ऐसे वास्तु दोष की जो घर का सुख नहीं भोगने देता। मैं बताऊंगा नए घर में जाने के बाद क्यों होता है संकटों से सामना। इसके साथ ही वास्तु दोष को शांत करने वाला महामंत्र भी बताऊंगा। तो आज के हम विषय पर आए, लेकिन उसके पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है। भाग्य चक्र के अनुसार देखते हैं पहली तीन राशियां कौन सी हैं। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले आज बात करेंगे मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की, कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। मिथुन राशि, आपके विवाह के सुनिश्चित होने की दिशा में अच्छे संकेत मिल रहे हैं। धन लाभ के साथ नौकरी में सम्मान का भी स्पष्ट योग बन रहा है। आज के दिन मांसाहार करने से बचिएगा और आज गरीबों में अन्न का दान करके दिन को और लाभकारी बनाइए। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। तुला राशि, आज आपके विदेश जाने के मार्ग का जो अवरोध है वह समाप्त होगा और बकाए धन की प्राप्ति भी होगी। दूसरे की भावनाओं का विशेष ख्याल रखिएगा। आज ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप अवश्य करिए, इससे दिन और सुखद होगा, यश की वृद्धि होगी। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। कुंभ राशि, 12वें घर का चंद्रमा व्यर्थ की भाग दौड़ कराएगा, लेकिन सायंकाल के बाद अपनों का अच्छा सहयोग भी दिलाएगा। यात्रा में सावधानी रखनी होगी। आज भगवान सूर्य के द्वादश नाम को जप कर घर से बाहर निकलिए, यशस्वी बनेंगे। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, आज हम बात कर रहे हैं वास्तु दोष की। कुछ लोग अपना घर बनवाने के बाद भी उसका सुख नहीं ले पाते, या फिर कई ऐसे लोग होते हैं जो नए घर में जाने के बाद में भी गंभीर संकटों से जूझते रहते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या इसके लिए भी कोई उपाय किए जाने चाहिए? आपने कई बार देखा या सुना होगा कि बहुत से लोग जैसे ही अपने मकान में प्रवेश करते हैं वैसे ही एक से बढ़कर एक संकट आना शुरू हो जाता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मकान खरीदने के बाद भी अपने घर में जा ही नहीं पाते, मात्र उन्हें खरीदने का सुख ही रहता है लेकिन रहने का सुख नहीं मिल पाता। मकान में प्रवेश के साथ ही
घर के सदस्यों का बीमार रहना, दाम्पत्य जीवन में कटुता, बच्चों का मन पढ़ाई से हट जाना और आर्थिक स्थिति का खराब होना, असामयिक मृत्यु आदि का सामना उन्हें करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कुछ समझ में ही नहीं आता, कभी अच्छे वास्तुकार से सलाह लेकर वे मकान में तोड़फोड़ भी कराते हैं, लेकिन अंततः कोई विशेष फायदा नहीं हो पाता। यदि ऐसी स्थिति बन जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए दर्शकों, अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो यह बिल्कुल साफ है कि भवन में गंभीर वास्तु दोष है। यह वास्तु दोष मकान में हो सकता है या भूमि में। मैंने अपने अनुभव में यह पाया है कि इस प्रकार के भवन में अधिकांशतः भूमि में ही गंभीर दोष होता है। देखिए, इसका सबसे उत्तम बचाव तो यही है कि जितना जल्दी हो सके मकान को बेच देना चाहिए, क्योंकि आप कितना भी दीवारों को तोड़े फोड़ेंगे लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होगा। अब दूसरी स्थिति में यदि आप मकान को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते, उसे कोई इमोशन इन्वॉल्व है या कोई और बात है, तो आपको सबसे पहले शुभ मुहूर्त देखकर वास्तु देवता का विधिवत पूजन कराना चाहिए। वास्तु पूजन में भूमि दोष निवारण पूजा सबसे पहले कराना चाहिए। आचार्य जी, हमारे साथ में दर्शक जुड़े हैं, दिल्ली से हैं दीप्ति जी, फोन लाइन पे बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। दीप्ति जी, आपका डिटेल्स बताइए, जन्म की तारीख क्या है? 2 जून 1994। 2 जून 1994 जी। जन्म का समय क्या है? 10:30 PM, रात्रि 10:30 बजे। हाँ जी। जन्म का स्थान क्या है दीप्ति? बुलंदशहर, यूपी। बुलंदशहर, क्या जानना चाहती है, सवाल पूछे अपना। मैम, मैं पंडित जी से जानना चाहती हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है, मैं प्रयास कर रही हूँ, क्या मैं सफल हो पाऊंगी? आचार्य जी, दीप्ति जी अपनी सरकारी नौकरी के योग के बारे में जानना चाहती हैं, आखिर कब के योग हैं और कैसे मिलेगी सफलता? जी दीप्ति जी, आपका जन्म है मकर लग्न में और जन्मकालिक आपकी मीन राशि है। बिटिया, बहुत अच्छी है पढ़ने में, इसमें कोई संशय नहीं है, आपको गंभीर भी कहा जाएगा, तैयारी के प्रति काफी संवेदनशील है। लेकिन अभी जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है 7:30 का प्रारंभ हुआ है, लेकिन चूंकि शनि की अवस्था पूर्णतः बलवती है, इसलिए नौकरी का, सरकारी नौकरी का स्पष्ट योग है, लेकिन अभी प्राप्त होने में संदेह कहा जाएगा। 27 नवंबर 2023 के बाद नौकरी का योग अवश्य बन रहा है, और वह भी शिक्षा या फाइनेंस से संबंधित विभाग में। तो क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले 7:30 को काउंटर करने की कोशिश करिए। नियमित रूप से आपको प्रतिदिन ओम संघ शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए और प्रत्येक शनिवार को काला तिल छूकर दान दीजिए। तो दीप्ति जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। जो उपाय बताए गए हैं उन उपायों को अपनाएं, जीवन में आ रही परेशानियां आपकी जरूर दूर होंगी। हमारे अन्य दर्शक भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए टीवी स्क्रीन्स पर जो नंबर बताए जा रहे हैं उन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए या फिर ईमेल एड्रेस पर अपनी डिटेल्स, जिसमें जन्म की तारीख, समय और स्थान आपको हमें भेजना होगा और कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आगे हम आचार्य जी से वास्तु दोष दूर करने वाले उपाय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का राशिफल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों की, कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। कर्क राशि, आपकी बेरोजगारी आज समाप्त होने के पूरे लक्षण है और बिजनेस में भी आपको अच्छी सफलता आज मिलेगी। जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। आज निर्धन व्यक्ति को वस्त्र का दान देकर सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का 75% और संबंध का 80% अंक देता है। वृश्चिक राशि, आज रोजी रोजगार की दिशा में विशेष लाभ होने जा रहा है। रुके हुए धन की प्राप्ति भी सुनिश्चित दिखाई देती है। नकारात्मक विचार को मन में बिल्कुल मत आने दीजिएगा।
आज गाय को गुड़ खिलाइए, इससे यशस्वी बनेंगे। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। मीन राशि, भूमि भवन के लिए जो प्रयास आप कर रहे थे उसके सफल होने की आज पूरी संभावना है और धन का प्रयास भी सफल होता हुआ दिखाई देगा। आज के कार्य को टालिएगा बिल्कुल नहीं, तत्काल करने की कोशिश करिए। सुंदर कांड की 11 चौपाई पाठ करके आप घर से निकलिए, प्रत्येक कार्य में सफल होंगे। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का 60% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, ये तो बात राशिफल की हुई, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए वो कौन से उपाय हैं जो करने चाहिए। सामान्य रूप से आपको प्रत्येक सोमवार को जल में 4-5 ढक्कन गोमूत्र डालकर घर का पोछा लगाना सुनिश्चित करें। प्रतिदिन सायंकाल घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाइए, इससे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक लाभ निश्चित मिलेगा। घर में मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल न करिए, किसी कीमत पर न करिए। इन उपायों के बाद इस बात की संभावना बहुत अधिक हो जाती है कि आपके भूमि के वास्तु दोष के साथ साथ घर का वास्तु दोष भी शांत हो जाए। तो वास्तु दोष दूर करने वाला महामंत्र क्या है, आगे हम जानेंगे आचार्य जी से, लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का राशिफल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं मेष सिंह और धनु राशि के जातकों की, कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। मेष राशि, आज अपने कार्य हेतु आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। विवाह के अवरोध लेकिन आज समाप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना वादा आज जरूर निभाइएगा। तांबे के पात्र में अन्न का दान करिए, इससे यश और आर्थिक विकास निश्चित होगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। सिंह राशि, चंद्रमा के रोग के घर में रहने के कारण थोड़ा मानसिक रूप से आप परेशान रह सकते हैं, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में अच्छा लाभ पाएंगे। आज लाल मसूर का दान करिए, इससे आर्थिक समृद्धता बढ़ेगी। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। धनु राशि, मन में चल रही निराशा आज आपकी समाप्त होगी। इच्छा के अनुसार नौकरी में परिवर्तन होगा, बिना सोचे किसी कागज पर दस्तखत करने से बचिएगा। आज गरीबों में अन्न का दान करिए, आपका कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, अगर घर में वास्तु दोष है और वो संकट पैदा कर रहा है तो इसके लिए समाधान का महामंत्र क्या है। देखिए, यदि आपके भूमि में दोष है तो आप कितना भी टूट फाट करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। इसके लिए क्या करना चाहिए आप ध्यान से सुनो। अच्छा सा मुहूर्त देखकर श्री दुर्गा सप्तशती का 51 पाठ कराकर नवारण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए बिच्चे से हवन करा दीजिए, निश्चित लाभ हो जाएगा। गृह स्वामी एवं गृह स्वामिनी को नियमित रूप से महादेव शिव शंकर दानी करहु कृपा शिव सहित भवानी का कम से कम 11 बार निश्चित पाठ करना चाहिए, इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। आचार्य जी, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं जिनका जन्मदिन है, आपसे जानना चाहेंगे पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है, लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं भाग्य चक्र के अनुसार अंतिम 3 राशियों की। अब देख लेते हैं वृषभ कन्या और मकर राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि, भाग्य भाव का चंद्रमा सभी प्रकार से लाभकारी परिणाम प्रदान करेगा, किसी मेहमान के आगमन से आनंद का अनुभव भी कराएगा। अति उत्साह में आज जोखिम भरा कार्य बिल्कुल न करिएगा। गरीब व्यक्ति को अन्न का दान करके आर्थिक समृद्धता को सुनिश्चित करिए। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है।
कन्या राशि, पंचम भाव में गोचर कर रहा चंद्रमा आज आपका महत्वपूर्ण कार्य कराएगा। ध्यान रखिएगा, बातचीत में अनावश्यक समय नष्ट बिल्कुल मत करिएगा। आज भगवान रुद्र को दूध का अभिषेक करिए, शारीरिक मानसिक आर्थिक सफलता निश्चित मिलेगी। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। मकर राशि, लंबे समय से प्रतीक्षित कार्य आज शुक्र कराएगा। संतान की प्रगति से भी घर का माहौल आनंदित बनाएगा। आलस बिल्कुल न करिएगा। घर से निकलते समय दही का प्रयोग करिए, आज सभी कार्य पूरे होंगे। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 60% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आगे कार्यक्रम में योगिनी सोनम से हम सरदर्द से निजात दिलाने वाला योग मंत्र जाने, लेकिन उससे पहले आचार्य जी बात उनकी कर लेते हैं जिनका आज जन्मदिन है, ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है। जी, जिनका आज जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। जिनका आज जन्मदिन है उनका मूलांक 1 है। अंक 1 का मालिक सूर्य होता है, जो साहस, पराक्रम, धैर्य, नेतृत्व की क्षमता, प्रसिद्धि, वैभव, राजनीति, प्रशासनिक सेवा, सेना में उच्च पद आदि का नेतृत्व करता है। वर्ष 2023 का अगस्त तथा दिसंबर का महीना निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचिएगा। वर्ष 2023 में आप स्वयं को सफलता दिलाने में निश्चित रूप से सफल होंगे और आपके व्यक्तित्व का विकास भी होगा। जिम्मेदारियों के निर्वहन में भी सफलता प्राप्त करेंगे। नौकरी में प्रमोशन की भी बहुत अच्छी संभावना है और ट्रांसफर भी डिजायर्ड जगह का निश्चित होगा। विदेश यात्रा का सुख भी मिलेगा। घर में मांगलिक कार्य होंगे और इस वर्ष आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में गजब की बढ़ोतरी होगी। आप नियमित रूप से यदि ओम ऐं ह्रीं क्लीं आदित्याय नमः मंत्र का जप करें तो यह वर्ष आपके लिए अत्यंत सफलतादायी सिद्ध होगा। और आइए अब बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। अक्सर लोगों में सरदर्द की समस्या आजकल बहुत आम हो चली है, लेकिन इस सरदर्द की समस्या से कैसे आप निजात पाएंगे, इसका योग मंत्र जानते हैं योगिनी सोनम से। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम सरदर्द के बारे में बात करेंगे। सर के किसी भी हिस्से में होने वाले दर्द को सरदर्द कहते हैं। सरदर्द होने के कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे कि अधिक तनाव होना, नींद पूरी ना होना, घंटों टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप पे काम करना, या फिर आपकी गर्दन और कंधे की मांसपेशियों में तनाव बढ़ना। डॉक्टर की सलाह के साथ साथ सर में मालिश एक बहुत ही घरेलू और कारगर उपाय है। साथ ही साथ अगर आप योगासन करते हैं तो आपकी गर्दन और कंधों की मांसपेशियों में आराम मिलेगा, जिससे आपको सरदर्द में काफी हद तक आराम मिलेगा। तो चलिए ऐसे कुछ योगासन सीखते हैं। सीधे बैठ जाएं, अपने हाथों का सहारा लेते हुए आगे की तरफ आ जाएं। अब आप टेबल टॉप पोजीशन में हैं। सांस छोड़ते हुए अपने कमर के हिस्से को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ खींचे और अपने गर्दन को अपने चेस्ट के पास लेकर जाए। सांस लेते हुए अपने कमर के हिस्से को ज्यादा से ज्यादा नीचे की तरफ लेकर जाएं और अपने सर और अपने चिन को ऊपर की तरफ लेकर जाएं। ठीक इसी प्रकार सांस छोड़ते हुए अपने कमर के हिस्से को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ लेकर जाएं और सांस लेते हुए अपने स्पाइन को या अपने कमर के हिस्से को नीचे की तरफ लेकर जाएं। ध्यान रहे, माजरासना में आपके दोनों कोहनियां सीधी रहनी चाहिए और आपकी रीढ़ की हड्डी ज्यादा से ज्यादा ऊपर और नीचे दोनों तरफ मूव करनी चाहिए। कम से कम 10 बार इस आसना को दोहराएं। ध्यान रहे, आपको यह आसना धीरे धीरे करना है सांसों के साथ और हाथों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। जब भी आपको सर में दर्द हो इसके 2 से 3 सेट करें। एक पदा पश्चिमोत्तान आसना। सीधे बैठ जाएं, अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लें, अपने दाएं पैर को इस तरह मोड़ लें,
अब सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की तरफ लेकर जाएं। और आपकी क्षमता के अनुसार या फिर आपसे बन पाए तो अपने माथे को अपने घुटने से छू दें। कम से कम 20 से 30 सेकंड इसी स्थिति में बने रहें। ध्यान रहे, आपको अपनी मांसपेशियों से कोई जोर या जबरदस्ती नहीं करनी है। ये आसन अपनी क्षमता अनुसार ही करें और सांस लेते हुए वापस ऊपर आ जाएं। अब ये आसना हम ठीक इसी तरह अपने बाएं पैर से दोहराएंगे। ये दोनों ही आसना सर के दर्द के लिए काफी अचूक है। आपको ये आसना धीरे धीरे अपनी सांसों को धीरे रखते हुए रोजाना 3 से 4 बार दोहराने हैं। आचार्य जी, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं स्वप्न शास्त्र की, तो स्वप्न शास्त्र में क्या है आज खास? देखिए, आज स्वप्न शास्त्र में हम लोग यह जानेंगे कि यदि रात को सपने में आपने खुद को दरिद्र अथवा निर्धन के रूप में देखा है तो इसका अर्थ क्या है। देखिए, स्वप्न आपके भविष्य की घटनाओं को निश्चित ही दर्शाते हैं, लेकिन हर सपना सही होगा यह बिल्कुल ही सत्य नहीं है। यदि स्वप्न में आपने अपने आप को निर्धन होते हुए देखा है तो इसका अर्थ है कि आपकी आर्थिक स्थिति में प्रगति होने वाला है और शीघ्र ही आपके लंबित या पेंडिंग कार्य होने जा रहे हैं। और आइए बात कर लेते हैं उस अचूक मंत्र की, उस महा उपाय की, जिससे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। आचार्य जी, क्या है आज का महा उपाय? देखिए, आज का महा उपाय पति पत्नी के रिश्ते को समर्पित है। यदि पति पत्नी के बीच अनावश्यक विवाद होता हो या दोनों एक दूसरे को प्यार करने के बाद भी आनंदित न रहते हो तो दोनों को क्या करना चाहिए? दोनों को बृहस्पतिवार का व्रत रहना चाहिए तथा गुरु पुष्य योग में पीला धागा लेकर पीपल के वृक्ष का 3 बार परिक्रमा करते हुए उसे बांध दें और उसी समय बांधते समय ओम श्री हरि नमः का मंत्र मन में जप करना चाहिए। इससे दाम्पत्य की समस्या निश्चित समाप्त होगी। तो वास्तु दोष को दूर करने वाले खास उपाय आज हमने आचार्य जी से जाने हैं। आचार्य जी, इन खास जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाग्य योग में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।